विजिट में। आज मैं दिखाऊंगी आपको अपने सेकंड फ्लोर जो काफी दिनों से रेनोवेशन हो रहे थे और वो अब कंप्लीट हो गए हैं, तो अब आप देखिए और बताइए कैसा घर लग रहा है आपको, कमेंट और सब्सक्राइब लाइक करके। तो ये है हमारा मेन डोर, यहाँ से हम बाहर की तरफ जा सकते हैं और बाहर निकलते ही रोड है, देख सकते हैं आप। और इधर काम भी लगे हुए हैं, यहाँ से हम लोग बाहर चले जाएंगे, काम भी लगे हुए हैं, अभी कुछ बाकी रह गए हैं। और ये दरवाजा बंद करते हम अंदर की तरफ। इधर हो गया हमारा वार्डरोब, वार्डरोब काफी बड़ा बनाया है हमने। एक बार मैं आपको वार्डरोब खोल के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा वार्डरोब है जो कि अंदर से इतना बड़ा है, काफी स्पेस है, हमने बड़ा सा वार्डरोब बनाया है। इसमें अभी चाबियां भी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे हैंगिंग है, ये नीचे सूटकेस लगेज काफी सामान के लिए स्पेस काफी है। आप देख सकते हैं अलमीरा हमने काफी बड़ा बनाया है, डबल सेड में मेहमान और गेस्ट को देखते ही हमने ये अलमीरा बनाया। तो एक और रास्ता है बाहर निकलने के लिए, जो हम अंदर से आ सकते हैं और अंदर से ही जा सकते हैं, ये है यहाँ से। ये हम लोग अपने पर्सनल रास्ता के लिए बनाए हैं, हम अंदर से आ जाए हम चले जाए। इधर यहाँ पे बाथरूम अटैच हो गया, इसमें भी काफी स्पेस है, स्नान घर है, गीजर, गर्म पानी, ठंडा पानी सब व्यवस्था है इसमें। अभी ठंडी का सीजन चल रहा है तो नहाने के लिए दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए हमने गीजर लगा रखा है इसमें। और यही भी हो गया हमारा ये मिरर, आप देख सकते हैं ये मिरर हो गया, ये बेसिन हो गया। मैं देख लूं कैसी लग रही हूँ। हेलो, यहाँ पे हमने बेसिन थोड़ा यूनिक लगाया है, थोड़ा कॉस्ट तो लगा है लेकिन हाँ देखने में अच्छा लगता है और इसकी खूबसूरती मुझे अच्छी लग रही है, तो हमने थोड़ा अलग डिजाइन का बेसिन लगाया है। अब इधर हमने एल शेप में सोफा लगाया हुआ है और सोफा भी काफी बहुत बड़ा स्पेस में है, बहुत जन बैठ सकते हैं इसमें। और इसी के मैचिंग से हमने ये टूल्स लगा दिए हैं, सोफा की सेटिंग्स मैचिंग देखते हुए हमने टूल्स लगा दिए हैं। और ये आप देख सकते हैं वुडन साइड में है टाइल्स, वॉल टाइल्स हमने वुडन टच रख दिया है ताकि लगे कि हम लोग जंगल में हैं, लकड़ी का जो फीलिंग होता है वो हम लोग ले सकें, तो ऐसा लगे कि हम लोग जंगल में है इसलिए हमने वुडन टच दिया है। नीचे आप देख सकते हैं व्हाइट टाइल्स है। और डेकोरेशन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा, हमने बड़ा सा बेड डाल दिया है, आप ये बेड देख सकते हैं, इससे 10 आदमी आराम से सो सकता है। ये हमारा आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का गेस्ट हाउस प्लस रेस्ट हाउस हो गया है, अगर हमारे पास गेस्ट ज्यादा अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो हम कहाँ उनको मतलब सेट करेंगे, तो ये हमने उनके लिए रखा है क्योंकि हम जिस क्लब में रहते हैं वो तो आप देख ही सकते हैं, हमारे लिए वहां का
आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं तो बोल नहीं सकती कि भाई खूबसूरत लग रहा है, आप बताइएगा खूबसूरत लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में दिया हुआ है, यहाँ से लाइन पूरा कंट्रोल होगा, कटआउट होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।